बड़ी लंबी लाइन थी मेरे पीछे, एक लड़की आई रोती हुई और बोल रही भैया, मैंने कहा हाँ बोल बहना, कह रही प्लीज प्लीज मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ मरने वाली है। दोस्तों आज आपके लिए प्रोफेट बजिंदर सिंह की एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो शायद ही अपने कभी पहले सुनी हो, जिसमें प्रोफेट जी अपने जीवन की एक घटना बता रहे हैं जो लगभग 10 साल पहले उनके साथ हुई, जब उनके चाचा जीपीजीआई हॉस्पिटल में दाखिल थे। तो वो घटना क्या थी, आइए जानते हैं इस क्लिप से। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गवाही से बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। जब मैं 7 साल नहीं ज्यादा टाइम हो गया, 10 साल पहले मेरा चाचा ऑपरेशन के लिए एडमिट था पीजीआई के अंदर, और मेरी ड्यूटी लगी थी चाचे का ध्यान रखने के लिए। मैं सुबह 6 बजे पीजीआई की लाइन में लगा और पहला नंबर मेरा था। मैं 4 बजे जाकर खड़ा हो गया था कि खिड़की खुलेगी और पहले पर्ची मैं कटाऊंगा और मेरा चाचा ठीक हो जाएगा। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा था, 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ कि बड़ी लंबी लाइन थी मेरे पीछे, एक लड़की आई रोती हुई और बोल रही भैया, मैंने कहा हाँ बोल बहना, खैरी प्लीज प्लीज मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ मरने वाली है, प्लीज मुझे पहले नंबर लगाने दो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल तू आ जा, और मैंने उसका पहला नंबर लगा दिया। ओ भाई साहब, इतने करते करते मैंने देखा इतने लोग आए मेरे पास, रो रो के ड्रामे कर रहे, ड्रामे, और लेकिन मुझे वो ड्रामे नहीं लग रहे थे, वो लग रहे थे यार वाकई यार ये वाकई भाई साहब दुखी लोग हैं। मैंने कहा चल तू आ जा, चल तू आ जा, मैं तो चल मेरा चाचा थोड़ी देर में क्या पता परमेश्वर संभाल के रखेगा उसको, कोई बात नहीं संभाल के रखना। मैं इतने नंबर आ गए, 7 लोग मेरे से आगे आगे, और एक लड़का मेरे पास आया करा, उसने देखा ये सबको लिफ्ट दिया जा रहा है और मेरे पास आया करा, करा भैया थोड़ा साइड में हो ना, जरा थोड़ा साइड में हो ना, करा मेरी मम्मी बीमार है, मैं जरा पर्ची कटवा लूँ प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल बे लाला की दुकान समझ ली क्या, 6 बंदे तो पहले आगे आगे और तू भी मुझे पीछे कर रहा है। मैंने कहा चल, मैं क्यों, मैंने उसको पीछे किया क्यों, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक्शन नहीं देखा, मैंने उसकी उसके फेस से पहचान लिया कि इसको कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ वैसे ही नाटक करने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि बाइबल बोल रही है करी हन्ना ऐसे गिड़गिड़ाई, ऐसे ऐसे गिड़गिड़ाई। उस दिन हन्ना ने अलग तरीके से चर्च के अंदर गई, पहले भी जाती थी वो चर्च के अंदर मांगने के लिए, अरे क्यों, क्योंकि वो 5 बच्चा नहीं था उसके पास, हो सकता है वो 10 साल से 20 साल से बांझ हो, लेकिन उसको कह रहे कि मंदिर में जाना भी पता था, चर्च में जाकर फिर चढ़ाना भी पता था, लेकिन उसको प्रार्थना ही भी करनी आती थी, लेकिन उसका तरीका सही नहीं था। लेकिन जिस दिन वो कह रहे कि नई ढंग से गई, नई ढंग से, बाइबल बता रही है कि वो तो नए ढंग से गई, और पहला शमूएल 1:10 में लिखा। दोस्तों आपको बता दे, जे घटना प्रोफेट जी ने संडे को वचन में उदाहरण के तौर पे बताई कि हमें परमेश्वर के सामने कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको प्रोफेट जी की और वीडियो देखनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।